हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से एवरेज जिप फॉर्मूला का इस्तेमाल एक्सेल में करते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है, ईयर, प्रोडक्ट नेम और प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है। हमने यहाँ पे आपको बताने के लिए यहाँ पे किया है, जैसे कि हमने मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 2021 अगर हमने यहाँ पे टाइप किया तो अपने आप यहाँ पे प्राइस चेंज हो जा रहा है। ये प्राइस एवरेज करके यहाँ पे शो कर दे रहा है। वैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे 2023 अगर हमने किया तो प्राइस अपने आप यहाँ पे शो कर दे रहा है। ये कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। प्रोडक्ट के नेम से अगर मान लीजिए कि आपने चाहा कि प्रोडक्ट के नेम से हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है तो देखिए आप प्रोडक्ट के नेम से भी एवरेज यहाँ पे निकल जा रहा है। ऐसे तमाम सारे जानकारी आपको आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अब हम लोग आगे देखेंगे फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एवरेज निकालना है, ये जो दिया हुआ चार्ट है इसमें एवरेज निकालना है कि दिस ईयर में ये जो प्रोडक्ट है इतना प्राइस उसका था तो कितना उसका एवरेज आपको निकालना है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और एवरेज टाइप करेंगे। एवरेज टाइप करने के बाद आपको इसमें इफ भी जोड़ना होगा, फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ से पूरा ये आपको सी का जो ये कॉलम है आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद से अब हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे हमें डालना है कि किस ईयर का, जैसे इसमें से हमें किस ईयर का चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर हमें 2020 का चाहिए तो हमने 2020 यहाँ पे टाइप किया, कॉमा लगाया और फिर कह रहा है कि हमारा एवरेज जो रेंज है वो क्या होना चाहिए। तो हमारा एवरेज रेंज ही हमारा प्राइस से होगा, तो प्राइस को हमने सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे हमने एंटर किया तो देखिए टोटल हमारा 2020 का जो भी था वो डिटेल्स यहाँ पे एवरेज निकल करके सामने आ गया। अब मान लीजिए कि अगर हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें चाहिए कि हम किसी भी ईयर का एक क्लिक में हम निकाल सकें, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप इक्वल टू टाइप करेंगे और एवरेज इफ आप टाइप करेंगे। एवरेज इफ टाइप करने के बाद अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हम यहां से ईयर को सिलेक्ट करते हैं और ईयर को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाते हैं और हम यहां से चाहे तो इसको या चाहे इसको, मान लीजिए कि हमने यहां पे क्लिक कर दिया F5 हमारा सेलेक्ट हो गया और हमने कॉमा लगाया, फिर उसके बाद अब दे रहा है कि एवरेज जो हमारा ये रेंज है वो हमें सेलेक्ट करना है, तो हमने प्राइस को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस किया। तो अभी ये शो कर रहा है DIV/0 शो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने यहाँ पे कोई चीज़ वैल्यू हमने कोई डाला नहीं, कोई ईयर का नाम नहीं डाला। मान लीजिए हमने यहाँ पे 23 हमने कर दिया 2023, तो देखिए 2023 में ये हमारा एवरेज निकल करके सामने आ गया। अगर हम 2023 के जगह पे 2022 अगर कर देते हैं तो एवरेज बदल जाता है। ये तरीका है हमें एवरेज इफ का इस्तेमाल करना। अब हम बात करते हैं आगे प्रोडक्ट को लेकर के हम कैसे एवरेज इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए कि हमें एवरेज इफ निकालना है प्रोडक्ट का, तो उसके लिए हमें वैसे ही फिर से करना होगा इक्वल टू एवरेज। एवरेज इफ हमने कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया, अब हमें प्रोडक्ट के हिसाब से लेना है तो हमें यहाँ से इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद अब हमें चाहिए कि किसका हमें एवरेज लेना है। मान लीजिए कि हमें शूज का लेना है तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और शूज टाइप करेंगे। शूज टाइप करने के बाद से फिर से हम डबल कोट्स लगाएंगे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, कॉमा आप देंगे। कॉमा देने के बाद से फिर आपको एवरेज रेंज आपको सेलेक्ट करना है, तो ये हम प्राइस को सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट ओपन करने के बाद से हम इसे एंटर करते हैं, तो 800 ये हमारा शूज का निकल करके सामने आ गया। अब मान लीजिए कि आपको सूज के जगह पे कोई और डालना है तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके सूज के जगह पे हम यहाँ पे मान लीजिए कि हाइट हमने टाइप कर दिया और एंटर किया, तो देखिए 375 यहाँ पे हाइट के लिए निकल करके सामने आ गया। अब मानते हैं कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक चीज को अगर ऐसे निकालना है, कोई स्पेसिफिक हमारा प्रोडक्ट है उसको निकालना है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा उसको भी हम लोग आगे देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब करेंगे ये कि यहाँ पे हमने फिर से वही फॉर्मूला टाइप किया इक्वल टू एवरेज टाइप किया,
एवरेज इफ हमने टाइप कर लिया, एवरेज इफ टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और अब हम प्रोडक्ट नेम के साथ हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद अब हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोट्स जिसे बोलते हैं आप उसे लगाएंगे और फिर आपको यहाँ पे मान लीजिए कि आपको कोट आपको सेलेक्ट करना है, COAT हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये इसको सेलेक्ट किया और फिर ब्रैकेट ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको क्लोज करने के बाद हमने कॉमा लगाया और फिर यहाँ से हमने प्राइस को सेलेक्ट कर लिया। प्राइस को सेलेक्ट करने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और देखिए ये 2500 यहाँ पे निकल करके सामने आ गया है कोट के लिए। अब एक चीज़ और है कि मान लेते हैं कि हमें जैसे यहाँ पे 2022 हमने यहाँ पे जैसे टाइप किया है, 2023 अगर हमने टाइप कर लिया तो जैसे शो कर रहा है, वैसे मान लीजिए हमें यहाँ भी करना है, वैसे ही फिल्टर करने का ऑप्शन लगा देना है तो इक्वल टू एवरेज हम कर देंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये वाला हमें रेंज सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने क्लिक किया फिर कॉमा लगाया और फिर उसके बाद हमें प्राइस को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया और देखिए फिर से ये शो कर रहा है DIV/0। अब हमें यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोड टाइप किया, हमने कोड टाइप यहाँ पे किया और एंटर किया तो इसका निकल कर सामने आ गया। कोड के जगह मान लीजिए अगर हमने हैड टाइप कर दिया तो हैड के लिए निकल करके सामने आ रहा है। तो ये रहा फॉर्मूला एवरेज इफ का इस्तेमाल। तो आप इस ट्रिक के मदद से आप काफ़ी अच्छे से एवरेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे के टिप्स और ट्रिक्स और भी बहुत सारे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए और आप दूसरों से प्लीज़ आप कोशिश करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आपका हर एक एफर्ट, आपका हर एक प्यार मोहब्बत हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके सपोर्ट से हमारा मनोबल आगे बढ़ता है, हमें आगे काम करने में इंटरेस्ट पैदा होता है। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।